एक नारी सब पे भारी। और ये कहते हैं मोदी को शेर है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बंगाल के लोग उसको दुर्गा कहते हैं। और इनको पता होना चाहिए अगर ये हिंदू धर्म में है तो दुर्गा हमेशा शेर के ऊपर बैठती है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा चैनल पर। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है हरेंद्र ताऊ, उस तरफ खड़े पर कैमरा दिखा दे पर करके। हरेंद्र ताऊ खड़े हैं, मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगा जो काफ़ी मीडिया वाले नहीं कर पाते, और वे सवाल वे रहते हैं जो सभी के मन में होते हैं कि भाई मैं ये पूछता, ये बात, ये करता, लेकिन मैं अपने हिसाब से पूछता हूँ, फैमिली के हिसाब से। मैं कोई इतना बड़ा रिपोर्टर तो हूँ नहीं कि बड़ा बवाल खड़ा कर दूंगा, लेकिन हाँ सवाल जायज़ रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा सवाल। सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाई थी बीजेपी के लिए, तो उसमें बीजेपी पास हो गई है, 55% वोट उसको मिले हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? एक ये भाई उसमें 39 तो उनके थे अपने, और 10 उसके हैं गद्दार लोग के, और एक वो निर्दलीय, अरे जेजेपी वाला गद्दार है, देश गद्दार है, गद्दार है, किसानों का गद्दार है। देखिए मैं वैसे नहीं कहता, वो किसानों के नाम पे जीत के आया था और किसानों के साथ धोखा किया, इसलिए किसानों से गद्दार कह रहे हैं। धोखा किस तरह का? पता क्या होता है, अभी विधानसभा में यही बात चली थी, हमारे जो शिक्षा मंत्री अकोल पर गुजर, मैं उससे मिला भी था, और उन्होंने एक चर्चा की थी विधानसभा में कि जो कांग्रेस पार्टी वाले नहीं कर पाए वो बीजेपी सरकार ने किया, क्योंकि जो कुछ दाम थे ना भाई, चना, बाजरा, मक्का, उन पे उन्होंने MSP दिया, उनको खरीद भी कहीं कहीं क्विंटल, बहुत सारे कई हजार क्विंटल खरीद करी है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, तो वो काम इन्होंने करके दिखाया अब की बार 2016 से 2021 तक। देखिए क्या किया इन्होंने, फिर वो कहोगे कि ताऊ कांग्रेस की बात करता है, बीजेपी के खिलाफ बात करता है। मैं किसी भी सरकार की, मैं सिर्फ सरकार की बात करता हूँ, पार्टी की मैं कोई बात नहीं करता। आप एक बात बताइए, यही मोदी जी जब कांग्रेस की सरकार थी FDI का विरोध करते थे, 49% FDI का विरोध करते थे, और अब आए हैं तो 100% FDI आ गई। यही मोदी जी मनरेगा को बुरी बताते थे, मनरेगा अच्छी निकली, निकली बिल्कुल। और एक चीज बताइए, देश की संपत्ति बढ़ा, आप अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए यहाँ हो या अपनी संपत्ति बेचने के लिए यहाँ? बढ़ाने के लिए हो, तो इन्होंने देश की संपत्ति कौन सी बढ़ाई है जी? बेची है। इनको किसने राइट दिया कि आप देश की संपत्ति बेच दो, बताओ? और अभी तक हम कहते थे हमें गर्व है ये भारतीय रेल है, अब हम क्या कहेंगे कि हमें शर्म है कि ये अडानी अंबानी रेल है। बिल्कुल, एक भारतीय रेल जो लिखा जाता था, एक वो विवाद होता था काफी, जो सुंदर लगता था भारतीय रेल, अभी ये नाम तो प्राइवेट ही हो गया सारा शुद्ध ही, ठीक। दूसरी चीज, देश का सबसे कमजोर कड़ी विकलांग होती है, हाँ। विकलांग को उसमें कंसेशन मिलता था, बिल्कुल, डिब्बा भी होता था, डिब्बे हटाए। और आज जो रेल चल रही है जितनी भी, 2, 4, 10, 20, 100, 200, उसमें किस विकलांग को अब कंसेशन नहीं है। विकलांग जैसे टिकट आप लेके बैठोगे, आप रिजर्वेशन कराओगे, जितना पैसा आपका लगेगा उतना मेरा भी लगेगा। अच्छा, ये भी खत्म कर दिया। ये बुजुर्ग व्यक्ति है, इनको भी पिछली सरकारों ने उसमें कंसेशन दिया था, वो भी खत्म कर दिया, तो क्या करोगे भाई आप? दूसरी चीज, आप रोजगार कैसे दोगे? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली भारतीय रेल है, और भारतीय रेल प्राइवेट में जा रही है, तो फिर रोजगार कहाँ रह गए, किसको दोगे? कमाई भी सबसे ज्यादा करेगा संसद, प्राइवेट में दोगे? अब बचा क्या तुम्हारे पास, एक संसद? संसद प्राइवेट में दोगे? दो, फिर तो आज से ये होगा कि भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे बनाओगे, फिर तो शासन प्रशासन जो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खत्म। आप देखोगे, देख आज मैं तुम्हें एक दर्द बताता हूँ, देश का कोई सा भी बेल्ट वाला, बेल्ट मतलब चाहे पुलिस हो, सेना हो, CRPF, BSF हो, और सैनिक बल जो है ये हो, RPF, पुलिस, क्यों भाई? ये 24 घंटे नौकरी के ड्यूटी पे रहते हैं 24 घंटे, और जो इनसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं वो 8 घंटे में थक जाते हैं, है? जो हमारे यहाँ ISPCS है, क्लर्क है, ये सब जो लोग हैं ये 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उसमें भी 1 घंटे का इनका बीच में लंच होता है, बिल्कुल, है? सेना के जवान देश की सीमा पे खड़े हैं, खड़े हैं, और रोज तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं। अभी आप इस बैरियर पे देखो, सब दिन खड़े हैं, सिपाही भी खड़े हैं पुलिस के, और अर्धसैनिक बल भी खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, वो
24 घंटे ड्यूटी पे खड़े हैं, कभी भी उन्हें फिर बुला लो हैं, और उनकी पेंशन नहीं, उनकी पेंशन नहीं। और जो अरबपति खरबपति संसद में चुन के जाते हैं वो तनख्वाह भी लेते हैं, सारी सुविधाएं फ्री हैं, हर सुविधा फ्री है, उसको पेंशन भी चाहिए। और रिटायरमेंट होने के बाद हवाई किराया, रेलवे का किराया, वो भी एसी का है, सब चीज़ उन्हें फ्री, उन्हें 5 साल में सब चीज़ फ्री। और वो 25-30 साल 35 साल नौकरी करेगा और लोकल ट्रेन में है, कहीं मरते हैं। और इनको ऐसा है, मैं देखता हूँ जो आर्मी के इधर उधर ट्रांसफ़र होकर जाते हैं वो जनरल डिब्बे में जाते हैं बैठ के, और उनको बैठने के लिए भी सीट नहीं मिलती, जमीन पे बैठ के जाते हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अच्छा, तो अलग सवाल मेरा ये है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी जो महिला दिवस था ना, महिला दिवस वाले दिन, तो वो ट्रैक्टर पे बैठे थे और जो महिला विधायक थी वहाँ की कांग्रेस की, तो वो ट्रैक्टर को खींच रही थी। एक तो करते हैं कि महिला दिवस पर महिला का सम्मान करने की बात, ऊपर से ये जो किया है तो गलत किया है या सही किया है, बैठ के ट्रैक्टर को खींच रहे थे। और उस दिन मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर भावुक होकर रोने लगे विधानसभा में, इसके ऊपर क्या कहना चाहते इसको देख के? हाँ बिल्कुल रोए। तो उस दिन ये मुख्यमंत्री कहाँ थे, उस दिन कहाँ थे जब उस बेटी को इन्हीं के राज में जलाया गया रात को 2 बजे हाथरस के अंदर, उस दिन कहाँ थे, उस दिन क्यों नहीं रो पाए ये बात, उस दिन क्यों नहीं रो पाए, उस दिन क्यों नहीं रो रहे कि जब इनकी स्मृति ईरानी 300 रुपये के सिलेंडर पर देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट करती हैं और आज 850 रुपये का सिलेंडर हो जाता है, आज क्या है इनकी संवेदना मर गई? बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये है, तो उस दिन महिला दिवस के वाली बात करूँगा मैं, यहाँ पर स्टेज पर आप बताइए महिला संचालन कर रही थी उस दिन यहाँ पर, अच्छी बात है, उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं बनाया था कि कोई भी आदमी वहाँ पर मिशन ले के आए जब स्टेज पर बोले, लेकिन एक पूनम पंडित यहाँ पर आती है काफ़ी टाइम से, किसानों का सहयोग कर रही है, मेरे को नहीं पता गलत करिए सही करिए अपने हिसाब से, आप सभी जानते भी हैं, तो उसको स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया, उसको बोला गया कि आप उनकी जो कमेटी वाले हैं उनकी परमिशन ले के आए, 20 है पता नहीं कितनी है, तो इसमें एक नारे का अपमान भी किया है। और जो वहाँ के पुलिस अधिकारी है उन्होंने उसी दिन 11 बजे सम्मानित भी किया था और यहाँ पर अपमानित किया है। नहीं मैं तो उस दिन आया नहीं भैया, मुझे यहाँ के बारे में जानकारी नहीं, जानकारी उसके बारे में बताइए। नहीं नहीं, जो चीज़ की जानकारी नहीं है मैं बिना सबूत के कोई भी शब्द नहीं बोलता, ये मैं चाहे कभी भी बोलवा लेना, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता हूँ। जब मैंने यहाँ था ही नहीं तो मैं किसी के बारे में कैसे बोल दूँ, किसकी गलती है किसकी नहीं है तो मैं किसी के बारे में कैसे बोल दूँ, उसमें पूनम की गलती है या यहाँ की गलती है, मैं कैसे बोल दूँ? पता चला मैंने आपके बारे में बोल दिया आप गलत थे, पता चला बाद में कि आप तो सही थे, वो सब तो वापस आने के नहीं, नहीं मैं, तो मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, वीडियो में वीडियो भी नहीं, है नहीं, वो वीडियो वो आपकी है, आप रखें, मतलब इसके ऊपर आप कोई टिप्पणी? मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, क्यों कि मैं इतना ऑथराइज नहीं हूँ कि मैं इस आंदोलन के बारे में अपनी जुबान से गलत नहीं बोल सकता। मुझे कोई चीज गलत लगेगी मैं तो अपने घर चला जाऊंगा। आप सही भी तो बोल सकते हो, गलत को गलत और सही को सही भी तो कह सकते हो। गलत को मैं, ऐसा है क्या मैं अपने पिता के खिलाफ गलत शब्द यूज कर सकता हूँ? अगर मेरा पिता गलत होगा मैं शांत बैठ जाऊंगा, संस्कार मेरे नहीं कहते कि मैं अपने पिता के खिलाफ गलत बोल जाऊँ, तो मैं कैसे बोल जाऊँगा? ये जो जो इसमें जो बड़े नेता हैं वो हमारे पिता के समान हैं, हम उनके संरक्षण में पैदा हुए हैं, हैं? और अगर ये आंदोलन ना होता तो तुम हरिंदर को जानते? नहीं जानते ना, तो तुम किसकी वजह से जानते हो हरिंदर को? इस आंदोलन की वजह से। तो मैं इस आंदोलन पर कैसे गलत बोल जाऊँगा भाई? मैंने इसका नमक खाया है, और अगर मैं इस आंदोलन के लिए गलत बोल गया तो मैं पक्का नमक हराम हूँ, मैं कैसे बोल जाऊंगा भाई? पिता कभी गलत थोड़ी हुआ, बस पिता कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चों का कभी अहित हो। तो मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि भाई अन्य कानून रद्द होने थे ना, तो 3 महीने पहले हो जाते, 2 महीने पहले हो जाते, लेकिन पता नहीं क्या है, क्या लगता है आपको? जी इतने बड़े मुख्यमंत्री हरियाणा के ने कह दिया भाई ये कानून जो 2 महीने पहले हो जाते जो रद्द होने थे अभी तो होंगे भी नहीं, क्यों भाई? भगवान है परमानेंट बैठा है ना, उसके हाथ में है रद्द करने। देखिए जिसके हाथ में कलम में ताकत नहीं और वो बिना मतलब बोल रहा, बताओ मुख्यमंत्री के हाथ में है इन बिलों को रद्द करना ना, ना। या लागू करना? मुख्यमंत्री के हाथ में इन बिलों के संबंध में कोई काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। ये कुछ अंदाजा भी तो लगा सकते ना, क्योंकि बिना मतलब अंदाजा लगाओ जाओ, अगर तुम लगाओ तो ठीक और हम अंदाजा लगावें तो गलत। भाई हम भी तो यही कह रहे हैं
कि आज नहीं तो कल हम हम ये बिल खारिज करा के घर जाएंगे। हमारी बात को तुम मानते नहीं बिल्कुल, पर उसकी बात को मान लो जिसके तुम्हारी बात नहीं हुई, तुमने सुनी सुनाई बात पे करा। और हम तो सरेआम सामने कह के कह रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ठीक है, इतना का अभी अक्टूबर तक बैठ जाओ यहाँ से, पंखे पंखे लगा के बैठ जाओ। हाँ, सरकार अभी मानने वाली नहीं है, क्या बैठे ही रहेंगे? हाँ, और क्या करेंगे बताओ, क्या इसके अलावा चारा क्या बताओ? हिंसा हम कर नहीं सकते, अहिंसा से आप हमें बैठने नहीं दोगे तो बताओ क्या करें भाई, बताओ। अभी बंगाल जा रहे हैं टिकेट साहब, और वहाँ पर जो ममता बनर्जी है उसको धक्का मार दिया, उसका नाम ले दिया बीजेपी वालों का। देखिए वो धक्का किसने मारा, पहली बात, एक चीज मानिए, वो प्रदेश की मुख्यमंत्री है, आज भी मुख्यमंत्री है, उसकी सुरक्षा किसके कहने पर हटी, ये जवाब है सारा। बिल्कुल, एक देश के प्रदेश की मुख्यमंत्री है, बिल्कुल, जब तक दूसरा मुख्यमंत्री चुन कर पद ना ग्रहण कर ले तब तक तो वो मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, एक तो उसकी सुरक्षा क्यों हटाई? एक बाबा रामदेव जो ना तो मुख्यमंत्री है लेकिन जेड सुरक्षा उनके पास, ये तो देश का दुर्भाग्य है। बाबाओं को किससे डर है? तो वो बाबा नहीं है, वो लाला रामदेव है, इसलिए उसे लाला खतरा है। कोई भी कुछ कर दे, इसका छज्जा टूट जा तो इसे भी जेड प्लस दे दो। बिल्कुल है, अभी इसका कुत्ता मर जाए तो इसे वाई प्लस दे दो। ये इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल, अभी बंगाल चुनाव क्या आप जाने वाले हैं उस तरह से? हाँ, उम्मीद है कि मैं 17 के बाद जाने की कोशिश करूंगा। 17 का विकलांगों का आंदोलन है, मैं उसे 17 तारीख ना 17 ना कहीं खतरा तो ना हो जाए। काहे का खतरा, क्या खतरा? प्रशासन जिस तरह से यहां उस दिन नहीं, हमारे पास तो परमिशन है, परमिशन है, परमिशन है हमारे पास। और हम देश का विकलांग आदमी जिसको चलने फिरने में भी दिक्कत है, वो क्या देश के लिए खतरा बनेगा बताओ? क्या खतरा बनेगा? वो तो अपनी बात कहने जा रहा कि जो तूने दिया उसे लागू तो कर दे, और हम क्या उससे करे? ये कानून अपना, बिल्कुल अपना हक, जो तूने दिया हम नू नहीं कर रहे, तू हमें एक्स्ट्रा दे दे। जो तूने दिया उसे क्यों खत्म कर रहा बताओ? चलो, और भाई 17 तारीख ना जितने भी देख रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं 17 तारीख? देखिए, मैं देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि देश की सबसे कमजोर कड़ी अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर आ रही है 17 मार्च को ठीक 10 बजे। जो इनका सहयोग करना चाहता हो, देश का प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है, सामाजिक संगठन हो, कोई भी हो, कोई भी आए, जो इनका सहयोग कर सकता है करे। इससे बड़ा पुण्य दुनिया में किसी का नहीं लगेगा कि जो व्यक्ति निर्धन, कमजोर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भाई 17 तारीख को वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है, उनका सहयोग करें वहाँ पर, इनको बढ़ावा दे ताकि इनका हक इनको मिले, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से एनडी हरियाणा, जय हिंद।